स्वागत है आपका इस वीडियो में हम देखेंगे आज सीजी हॉस्टल वार्डन के करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे वीडियो लेट से आ रहा है चलो कोई नहीं चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी वन देखेंगे किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो ऑप्शन पंजाब है उसके बाद केरला या केरल और गोवा है और हरियाणा है ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे गोवा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी टू देखेंगे उससे पहले आप ये बताओ चलो ठीक है इसको देखो पहले क्वेश्चन नंबर एट्टी टू देखो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करो चुने कि क्या दावा ए एस और कारण आर मतलब रीजन सत्य है और क्या कारण दावे का समर्थन करता है दावा पहला है दावा कर रहा है संयुक्त राष्ट्र ने दो को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जी हाँ सही है उसके बाद कारण में देखेंगे बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है तो ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है दोनों सत्य है और क्या कर रहा है जो कारण है वो आपका जो कथन है उसको सही कर रहा है सही बता रहा है स्पष्टीकरण कर रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है लेकिन देखते हैं यदि ऑप्शन बी लेता है प्यापम। तो देखेंगे करेंगे, है ना तो ऑप्शन अभी करेक्ट करेंगे ए चलिए उससे पहले मुझे कमेंट में ये बताओ आप लोग कद्दू डाले हो ऑप्शन में या आलू डाले हो क्वेश्चन समझ गए ना आप चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री देखो दो हजार तेईस पुरुष तीन टेनिस ग्रैंड स्लम विजेता देखो 2023 में पुरुष में तीन टेनिस ग्रैंड सलम विजेता कौन है और 2023 में महिला 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन कौन है और 2023 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला था और दो में फार्मूला वर्ल्ड विश्व चैंपियन किसे मिला था समझ गए होंगे क्वेश्चन देख लिए और इधर देखिए सूची टो तो में आपको मिलाना है तो इसको टी ती, तीन बार टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है नोवाक जोकोविच है देखो 2023 से पूरा करंट अफेयर आ गया और 2023 में महिला 100 चे, मीटर चैंपियन स्प्रिट चैंपियनशिप कौन थी तो 2023 की है तो कौन है वो सॉ कैरी रिचर्डसन है ठीक है और 2023 हजार तेईस फिर वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है तो किसे मिला है लियोनेल मेसी को मिला है मेसी भाई ठीक है 2023 में फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन कौन है एक बज गए इसमें मैक्स व स्टारपेन बज गए है ना इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 84, किस भारतीय राज्य ने कोविड से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड नाइन बाल सेवा योजना शुरू की थी तो किसने की थी ऑप्शन ए लगाएंगे उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है तो ऑप्शन सी घाना लगाएंगे चलिए अब देखते हैं राज्य की सामान्य जानकारी तो क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स देखेंगे आ, देखेंगे सॉरी तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया था देखो क्वेश्चन भी अजीब सा छाप दिए हैं चलो क्वेश्चन नंबर इज्जत ही नहीं है क्वेश्चन का ऐसे टाइप का छापे हैं चलो क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स का आंसर लगाएंगे दस दिसंबर अठारह सौ सत्तावन ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे तो ऑप्शन ए लगाएंगे बैरिस्टर सी ए ठक्कर लगाएंगे ठीक है देखो जिन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल लगा दी हो तुक्का लगा दी हो ना तो गया आपका नंबर तो ऑप्शन ये करेक्ट है चलिए सही जोड़ी मिलाइए में देखिए छत्तीसगढ़ इसमें सुधी संघ दिया है और इसमें छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ छत्तीसगढ़ महासभा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी इसको आपको मिलाना है इनसे नीचे देखेंगे तो ऑप्शन जो पहला है छत्तीसगढ़ सुधी संघ में क्या हो जाएगा पंडित शिवदास पांडे हो जाएगा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ में क्या हो जाएंगे इसमें पहला आ जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह और छत्तीसगढ़ महासभा छत्तीसगढ़ महासभा सिर्फ लिखा है गठन नहीं लिखा है कुछ नहीं लिखा चलो छत्तीसगढ़ महासभा तो इसमें आप लोग लिखेंगे इसमें मिलाएंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल ठीक है और बच गया ये छत्तीस पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी इसमें पवन दीवान याद रखेंगे ठीक है देखो याद करने का तरीका अपना अपना होता है तो याद रखेंगे कोई दीवान साहब है जो पृथक कर दिए छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र से ऐसा याद कर लेना इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एटी नाइन देखो कथन सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता था जी हाँ कारण सोमवंशी शासक शिवगुप्त सेव मतावलंबी था तो क्या था इसमें देखते हैं इसमें आंसर आप करेक्ट करेंगे बी ठीक है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता तो ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी देखो जब मैं पढ़ा दी थी ना मड़वा महल शिलालेख निर्मित यदि आप छत्तीसगढ़ एमसीक्यू पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आया है मैं पढ़ाई हूँ आप देख लेना वीडियो जाके किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था ऑप्शन ए अहिराज गोपालदेव जयपाल रामचंद्र ऑप्शन डी रामचंद्र लगाएंगे चलो न, बाल मनोविज्ञान ठीक है बाल मनोविज्ञान भी यहीं पर कले खत्म कर देते हैं इसकी कहानी तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन देखेंगे फ्रायड के अनुसार मनोयोनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि एवं मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है इसमें ऑप्शन सी लगाएंगे लैंगिक अवस्था क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू देखेंगे ए, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के, के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद के साथ सुमिलित कीजिए ये चरण है और ये द्वंद है इनको मिलाना है अवस्था को आप मिलाएंगे उद्यम बनाम हिंदा उसके बाद प्रारंभिक ठीक है प्रारंभिक बाल अवस्था तो इसका इसमें मिलाएंगे आप थर्ड साल पहल बनाम अपराध बोध आप लोग पढ़े होंगे बाल मनोविज्ञान समझ में आ रहा होगा ये क्या है और खेल आयु खेल आयु में आप मिलाएंगे स्वायत्तता बनाम शर्म उसके बाद साले आयु में आप डालेंगे विश्वास बनाम अविश्वास ठीक चलो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट कर लेंगे ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नांकित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है ऑप्शन सी लगाएंगे जिन प्याजे आप तो पढ़ लो यदि किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं कुछ भी चीज का कर रहे हो तो सीडी पे पूरा पढ़ भी सकते हो जिसमें कि ये ले जिन प्याजे ये आते ही रहते हैं ऑप्शन बी सी करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर देखो निर्देशन प्रक्रिया के निम्नाकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जानकारी का संग्रहण अनुवर्तन आवश्यकताओं की पहचान और जानकारी प्रदान करना और निर्देशन का प्रतिपादन तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट करेंगे सबसे पहले क्या आएगा आवश्यकताओं की पहचान करेंगे फिर जानकारी हम संग्रहण करते हैं फिर क्या करते हैं जानकारी को देखो जानकारी हम संग्रहण करेंगे तभी तो उसको जानकारी को प्रदान करेंगे ना तो जानकारी क्या करते हैं प्रदान करते हैं फिर आता है हमारा निर्देशन का प्रतिपादन करते हैं फिर जाके हम लोग अनुवर्तन करते हैं देखो इधर इंग्लिश के भाग देख के आप समझ जाओगे जिसको ना हिंदी ठीक है लेकिन बाद में इंग्लिश अच्छे से अच्छी आती हो तो भाई इंग्लिश देख के भी करेक्ट करो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव व्यक्ति भिन्नता के आधार है तो इसमें अनुवांशिकता एवं पर्यावरण लगाएंगे ठीक है इसमें देखो बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आर दिया है तो हाँ अनुवांशिकता का एवं पर्यावरण का ऑप्शन भी करेक्ट करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर जानकारी का साझाकरण गोपनीयता निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है कथन है गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है कारण है गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनाधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं सामर्थित अनुभव करते हैं इसमें देखो ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे एक क्या दोनों सत्य हैं और दोनों एक मतलब उचित स्पष्टीकरण है ठीक है जो कथन उसका कारण उचित स्पष्टीकरण करता है ऑप्शन ए करेक्ट करो उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन थोड़ा तैयारी करना पड़ा देखना पड़ा तब जाके मिला है आंसर चलो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं तो देखो सबसे पहले क्या है तैयारी रहता है फिर उद्भवन फिर सत्यापन रहता है तो इस तरह से ऑप्शन डी आप करेक्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन ऑप्शन डी देखो मैं तो करेक्ट करेंगे बोल रही हूँ मगर आप कार्बन कॉपी में क्या करे हो कमेंट में बता देना किसका आंसर क्या आप लिए हो अब देखते हैं व्यापम क्या लेगा क्वेश्चन नंबर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो ऑप्शन डी लगाएंगे एच गार्डनर ठीक है लगाए होंगे आप यही और एच सुलीवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए तो सबसे पहले आएगा अंत क्रिया का क्षेत्र उसके बाद अनुभवों का संगठन तब जाके सामाजिक बनने की अवधि एक क्वेश्चन लास्ट टाइम किस एग्जाम में आया था बताएंगे मुझे आया था बी एड में आया था क्या किस में तो आया था चलो फिर उसके बाद क्या आएगा इसमें आएगा प्रगाढ़ संबंध आएगा फिर जाके आएगा अंतर व्यक्तित्व संबंधों की पूर्णता चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ऑप्शन इसमें कौन कौन से सही होंगे ए बी और डी इसी तरह चैनल पे और भी आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना और किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल आंसर चाहते हैं तब भी कमेंट करेंगे और सी जी एम सी क्यू लाइव वीडियो चाहते हो तब भी कमेंट कर देना कि कितना टाइम आप पढ़ना चाहते हो ठीक है चलिए इस तरह से हम यहाँ पर इसे खत्म करते हैं